वहां खड़े रहिए तो। हाँ परफेक्ट, चलिए शुरू किया जाए। yes. देखिए अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, काम के बारे में देख लिया, अभी हम लोग देखेंगे काम के तरीके के बारे में। अब क्वेश्चन ये है कि बड़ी टीम बनानी है, टीम कैसे बनेगी? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है लोगों का, सबसे बड़ा प्रश्न लोगों का ये होता है, हम किसी के पास जाते हैं, लोग जोड़ते नहीं है, आप लोगों को कैसे जोड़ते हैं? बराबर, पहला प्रश्न कि हमसे जुड़ते नहीं लोग, आप कैसे जोड़ते हैं? तो सिंपल सी बात है कि बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, प्रमोशन किया है हर चीज का। काश उसके लिए पैसा मिलता तो आपके अकाउंट में किसी के 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ होता था, है कि नहीं? चलिए बचपन से लेकर अगर प्रमोशन करते तो बहुत कुछ मिलता था, यस और नो? कितने लोगों के पास रिलायंस का फोन है? रिलायंस का फोन कितने लोगों के पास है? ठीक है, बाकी लोगों के पास जीएसएम फोन है। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक बता देना चाहता हूं कि मार्केट में एक बहुत अद्भुत फोन आया है, एक बहुत ही अद्भुत फोन है, एलजी का है ये, 1.9 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर से भी फार, इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज है, हमने देखा अभी, और 1.9, वन क्लिक में नेट खुलता है, अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, इंटरनेट की कोई भी साइट विद इन 1 सेकंड में आप जा सकते हैं, 1500 mAh की बैटरी है, यानी 6.5 घंटे तक नॉन स्टॉप आप बात कर सकते हैं, काफी अच्छे फंक्शन है। तो ऐसा फोन लेना चाहिए कि नहीं? yes. लेना चाहिए। मैंने क्या किया? मार्केटिंग। कितने को इच्छा हुई होगी ऐसा फोन लेने की? सीडीएमए फोन है ऐसा, देखिए सीडीएमए फोन है बाबू, इतना एडवांस सीडीएमए में, इतना एडवांस एंड्रॉइड 2.2 वही ना। लेकिन क्या मैंने आपको कहा ये खरीदो? नहीं। किसी को कहा? नहीं। तो आप इम्यूरिज खरीदने क्यों कहते? उसको नीड बताओ। हाँ, उसको जानकारी इंपोर्टेंस बताओ। हमने बचपन से जो चीज को प्रमोशन किया उसको हमने नहीं बेचा है, हमने उसके अंदर इच्छा जगाई है, इच्छा जगाई है सिर्फ। हम सिर्फ प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन इसको क्यों कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं? हाँ, क्योंकि सामने वाले को मालूम है इसका स्वाद कुछ नहीं है, और हमको मालूम है सामने वाला खरीदेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी ऑफ कर लो नहीं तो बजते रहेगा। ऊपर का लॉक अनलॉक करके ऊपर का दबा के रखोगे, बहुत यूनिक है सब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शन, लेना चाहिए, एडवांस एकदम यूनिक फोन, एकदम यूनिक फोन, अनबिलीवेबल। तो कहने का मतलब यह है कि बचपन से लेके हम लोग कुछ ना कुछ प्रमोशन करते रहते हैं, इतना ही काम करना है। लेकिन ये एक लड़ाई है, एमएलएम क्या एक लड़ाई जैसा काम है। तो आपको शायद पता होगा कि देश जब आजाद नहीं हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, उसने अपनी मदर को कहा कि मैं आपसे परमिशन चाहता हूं कि देश की आजादी के लिए मुझे कुछ करना है, नेताजी ने कहा। तो माने का इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि मेरा बेटा अगर देश के लिए लड़े तो सबसे बड़ी शान की बात होगी। तो नेताजी गए कलकत्ता और कांग्रेस में जुड़ गए, और उन्होंने पढ़े लिखे आदमी थे, नौजवान थे, जोशीले थे, तो उन्होंने लोगों को एक नारा दिया। क्या नारा दिया? तो मुझे फोन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बराबर, इतना अच्छा स्लोगन है, यानी कि उन्होंने लोगों को चैलेंज किया। लेकिन उनकी बात फैल गई, लोगों ने क्या मीनिंग निकाला, कैसा आदमी है, हम खून देके राज ये करना चाहता है। इसलिए नेताजी के कंसेप्ट पे दुनिया की दूसरी कंट्री ने काम किया और दूसरी कंट्री आजाद हुई यहां नहीं। फिर गांधी जी आए बीच में, गांधी जी को यह समझ में आ गई बात
गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कि भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई हम खून देंगे और तुम आजादी हमें दोगे और मजा भी तुम करोगे। गांधी जी ने लोगों को बोला कि तुमको कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम लोग मेरे साथ रहो, उपवास मैं करूंगा, लाठी पहले मैं खाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, है कि नहीं, आपको क्या करना है मेरे पीछे आ जाओ, उन्होंने कहा और उन्होंने दांडी की यात्रा शुरू की, देश को आजादी दिलाई। उसी नक्शे कदम पे चले अन्ना हजारे और अन्ना हजारे ने क्या किया, शुरू हो गए कुछ लोगों को पहले तयार कर लिया, बोल बोल के इनको अपना आइडिया बताया, इनको अपना आइडिया बताया, टीम बनाई। उसके बाद वो शुरू हो गए, उन्होंने क्या कहा, मैं उपवास करूंगा, तुमको कुछ नहीं करना, मेरे पीछे बैठो। लेकिन काश गांधी जी ने ये कहा होता है कि दांडी यात्रा में आप लोग आगे रहो, अंग्रेज की लाठी गिरेगी तो आप पहले से लेना, मैं देखूंगा, मेरे तक आया तो मैं भागूंगा, तो देश को आजादी मिलती नहीं मिलती। ये काम अन्ना हजारे कहते कि मैं लड्डू पेड़ा खा रहा हूं, आप बैठो उपवास करो, देखता हूं आजादी मिलती है कि नहीं, देखता हूं सरकार मेरी सुनती है कि नहीं, मैं तो बैठे बैठे खाते रहूंगा, आप उपवास करते रहो और आप लोग मर रहे उसके ऊपर सरकार क्या सोचती है मैं देखता हूं। तो आपको लगता था कोई बैठेगा उनके साथ? नहीं। तो बस सिंपल काम है, आप खुद पहले जुड़ जाओ, खुद जुड़ जाओ पहले लड़ाई में, और लोगों को यही कहो, देखो भाई कुछ करना नहीं है, मैं जुड़ गया, मुझे दो को लाना है, आपने दो को लाना है, पीछे आ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको मेरे साथ काम करना है, मैं पैसा कमाने वाला हूं, तुमको भी कमा के दूंगा, मेरे साथ जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना है, आपको पैसा कमाना है, हमारे साथ जुड़ जाओ, आप काम क्यों करते हो भाई, हम आपको काम करने नहीं कर रहे, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। देखिए हमारे साथ जुड़ गए, मंजीत जी कमा रहे, राजू भाई कमा रहे, सब कमा रहे, कुछ नहीं है, जुड़ना है, आ जाओ भाई पीछे। क्या आपको लगता है कि अकेला कोई कुछ कर रहा है, मैं अकेला कुछ कर रहा हूं? नहीं, मैंने कहा भाई ये साथ में कुछ तो मुझे आप ही कर ही रहे ना, मंजीत जी भी कर रहे, सब लोग कर रहे, सिर्फ पीछे आना है। लेकिन लोग ये समझ के काम शुरू करने से डरते, इतने सारे लोग, बाप रे मैं कैसे लाऊंगा, आपको लाना ही नहीं है किसी को, आपकी कोशिश ये रहेगी हम दो हमारे दो, सीधी बात है, दो को लाइए, बस सिंपल काम। ऐसा करते करते एक बड़ा माहौल बन जाता है, एक बड़ी टीम बन जाती है, बहुत बड़ी टीम बन जाती है, सिंपल काम है। लेकिन लोग कैसे होते हैं, लोग फिलोसोफर होते हैं, आप क्यों इतना दौड़ते हो भाई, मत दौड़ो। एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा था मजे से, किसी ने उसको पूछा भाई क्या कर रहे हो, बोले आराम कर रहा हूं। बोले क्यों आराम करते हो, इतने अटे कटे हो, जवान हो, काम करो, कुछ करो, मुफ्त की रोटी खाते हो, काम करो, फिर क्या होगा, पैसा कमाओ, फिर क्या होगा, घर लो, फिर क्या होगा, बड़ा घर लो, फिर क्या होगा, और बड़ा घर लो, फिर क्या होगा, दो घर लो, गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी लो, उससे बड़ी जाओ, फिर क्या करो, आराम करो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, आराम कर रहा हूं, है कि नहीं, तो अभी आराम ही कर रहे भाई। तो लोग निराशावादी होते हैं, उनको पता नहीं है अभी जो आराम कर रहा है वो आराम, और बाद में जो आराम करने वाला है वो आराम, उसमें डिफरेंस है, फर्क है। बाद में जो आराम करेगा उसकी सात पीढ़ी खा सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, पहले आराम करेगा तो उसके लिए भी अर्थी के पैसे रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो इसीलिए लोग कहते हैं अकेले आए हैं अकेले जाना है, सही है ना, फिलोसोफर काहे को इतना मगज मारी, अकेले आए अकेले जाना है, आपको लगता है बेकार में इतने दूर दूर से इधर आए, लगता है ना, नहीं, क्या बात है। तो अकेले आए हैं अकेले जाना बोलते ये बात गलत है, दो के बिना कोई आ नहीं सकता, चार के बिना कोई जा नहीं सकता। तो ना हम अकेले आते हैं, ना अकेले जाते हैं, और ना अकेले रह सकते हैं, जिंदगी में हमें लोग चाहिए। मुझे इतने मजा आती है आप लोग हैं, और आपको इतने मजा आती है, सब लोग हैं इकट्ठे हैं ना, काश मिले तो अकेले बैठ के मेरा सुनते, तो ना मैं बोलता ना वो सुनते, कुछ होता ही नहीं, क्योंकि लोग है, माहौल है तो मजा आती है।
तो इसीलिए आप देख रहे हैं पिछले 50 साल का इतिहास अगर देखते हैं, 50 साल का इतिहास ट्रेनिंग का, इस इतिहास में सबसे पहले सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे कई कोर्स शुरू हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। गया हुआ वक्त वापिस नहीं आएगा, गई हुई जवानी वापिस नहीं आएगी, है कि नहीं? इसीलिए वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज मोर देन मनी, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, टाइम मैनेजमेंट। तो बचपन में हमने एक पिक्चर देखी थी, पिक्चर का नाम था बुलंदी, बुलंदी नाम था पिक्चर का। उसमें राजकुमार एक डायलॉग कहते हैं, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से मिलती है। इसका मतलब क्या है? मेहनत का रोल 25%, मुकद्दर का रोल 25%, टाइम का रोल 50%। क्योंकि मेहनत से कोई पैसा नहीं कमाता है, गले के नीचे के हिस्से से जो पैसा कमाया जाता है वो नीचे के हिस्से तक के काम, पेट के लिए काम आता है। असली पैसा दिमाग से कमाया जाता है, दिमाग से, स्मार्ट वर्क से, टाइम मैनेजमेंट से। तो सबसे पहला ये होना चाहिए हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का क्या मतलब है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आज आप जुड़ गए हैं तो सबसे पहले टाइम पे दवा खाना शुरू करो। दवा खाना मतलब क्लिनिक नहीं, दवा खाना शुरू करो। आप बोलेंगे हाँ हमने दवा खाना शुरू किया। और क्या शब्दों में, तो खुद दवा खाना शुरू करो, नहीं कि दवा खाना खोलो, डिफरेंस समझो। उसके बाद पहली ड्यूटी बनती है प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह समझो, प्लान के बारे में अच्छी तरह समझो। और सबसे पहला काम, आपके मोबाइल में जितने लोग हैं उसमें से कुछ लोगों को चुनो। चुनने के बाद उनके पास जाकर अच्छी तरह उनके टाइम पे प्लान बताओ, उनके टाइम पे। अगर आपने उनको कहा मैं 10 बजे आ रहा हूं, पहुंच जाइए 10 बजे। लेकिन वो कहता नहीं आज मैं नहीं मिलूंगा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हम कल आ जाएंगे। मैं समझ सकता हूं आप इतने बिजी आदमी, इतने बड़े आदमी, आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, कैसे आप ये निभाते हो, वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा आपके प्रति फीलिंग आ जाएगी। लेकिन आप क्या, मैंने बोला था मैं आने वाला हूं, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता है, टाइम देते हो फिर मिलते नहीं हो, ऐसे ही करते ना लोग। अब उसको इंपॉर्टेंस दो, आप इतने बिजी आदमी हो सकता है आपको अर्जेंट काम आ गया हो, कोई बात नहीं हम कल आते हैं। तो वो आपको जरूर टाइम देगा, और दोबारा जब टाइम देगा तो आपको मिलेगा। और जब मिलेगा आप उसको अच्छी तरह डिटेल में उसके टाइम पे प्लान बताइए, प्रोडक्ट बताइए, अच्छी तरह बताइए। बताने के बाद फाइनल करना है, सब समझा लिया, सब उसको समझ में आएगा, फिर आप अपने एक इमीडिएट एक्सपर्ट अप्लाइंग को फोन करिए, उससे बात कराइए छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए कि आपको कुछ डाउट है। तो मुझे जितना आता था, मुझे ज्यादा नहीं आता, मैंने आपको समझा दिया, कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन है तो 2 मिनट रुको, मैं हमारे एक्सपर्ट से बात कराता हूं। इसको कहते हैं काम करने का पहला तरीका। राजू भाई की टीम के लोग राजू भाई को फोन करेंगे, इनके टीम के लोग इनको फोन करेंगे, तो इनको फोन करेंगे इनके टीम के लोग, तो ये एक्सपर्ट होने चाहिए कि नहीं? Yes. तो इन्होंने एक्सपर्ट होने के लिए कंपनी की बुक पढ़नी चाहिए, सीडी देखनी चाहिए, सेमिनार अटेंड करना चाहिए, एलडीपी अटेंड करना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए। क्योंकि मेरी टीम वाले लोग मुझे कॉल करेंगे तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अच्छी तरह हैंडल कर पाऊंगा तो मेरी टीम आगे जाएगी, मेरा नेटवर्क आगे जाएगा, टाइम मल्टीप्लीकेशन होगा और मैं आगे बढ़ूंगा। तो पहला काम, उसके टाइम पे उसको प्लान बताना, टाइम पर पहुंच कर। समय, दुनिया में बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट है लेकिन वक्त पे काम नहीं करते हैं, धीरे धीरे पूरा काम कारोबार सब खत्म हो जाता है। हमने इस काम की शुरुआत एक मेरे छोटे से क्लिनिक में से की थी, भरत भाई डेवन से साथ में, तब कंपनी में 300 लोग भी जुड़े नहीं थे, मंजीत जी को भी पता है। क्लिनिक में जो 4-5 लोग जुड़े थे वो आते थे, और हर किसी को कहता था एक दो गेस्ट को लाइए, वो आते थे। 2 लोगों के लिए भी मैं खड़े रह के बोलता था, नियम यह है कि 4 से ज्यादा लोग हो तो खड़े रह के बोलने का, बैठ के बोलोगे तो 4 लोग उठा लेंगे। तो खड़े रह के बोलने का सीधी बात है, जिससे क्या होगा कि 5-10 लोगों के सामने बोलना इजी है, जब ज्यादा लोग होंगे तो और इजीली आप बोल पाएंगे।
तो इस तरह हमने शुरुआत किया, धीरे धीरे उससे बड़ी जगह, उससे बड़ी जगह, उससे बड़ी जगह। आज वीकली मीटिंग बंबई के अंदर 5 मीटिंग होती है वीकली, उसमें से 2 मीटिंग अगर मैं बंबई में हूं, देखिए टाइम मैनेजमेंट, अगर मैं बंबई में हूं तो बुधवार को दादर मीटिंग में बिना आप गए वहां पहुंच सकते, अगर मैं बंबई में हूं तो वही होगा, होना चाहिए मुझे सैटरडे और वही होता हूं, और फ्राइडे है तो मलाड मीटिंग में मैं होता हूं, वो मैं ही लेता हूं, ये मेरा रूल है, ये मैं ब्रेक नहीं करता। फिर शादी में जाना हो या कहीं भी जाना हो उसके बाद में मैं जाता हूं, लेकिन वहां मेरी ड्यूटी पक्की रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने सक्सेस होना है तो इस तरह लोगों को अच्छी तरह बताइए, और उन लोगों को कहिए कि मैं अपने घर पे हफ्ते में एक दिन लोगों को बुलाता हूं और समझाता हूं, मेरा ये टाइम फिक्स है, जब भी आपकी इच्छा होती है आप आइए। आपके नीचे 10 लोग हैं, 10 लोगों को ये नॉलेज है कि आप हफ्ते में ये दिन ये टाइम पे मिलते हैं, तो उनको ये पता ये दिन ये टाइम पे ये भाई इधर मिलने वाले हैं, काम शुरू। आपके घर पे रख सकते, घर पे रखने में तकलीफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये काम एक व्हाइट कॉलर जॉब, शान का काम है, अच्छा काम है, और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में ये जो काम आप कर रहे हो ये काम नहीं है, आप सब लोग दानवीर कर्ण से भी बड़े दानवीर हो। क्योंकि क्योंकि आप स्वास्थ्य का दान कर रहे हो, स्वास्थ्य दान सबसे बड़ा दान होता है। जिंदगी में एक आदमी तरसता है, पैसा लेकर बैठा है, तरसता है, उसको कोई आया रास्ता बताए, ऐसे कितने लोग पैसे की गड्डी पे बैठे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि इम्यूनिटी से कुछ अच्छा होता है। वो लोगों तक आपने पूछना है कि जिनके पास पैसा है और बीमारी भी है और बीमारी का इलाज करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं अच्छा कहां से हुआ जा सकता है, तो आपने उनको बताना है। तो आप वीकली मीटिंग शुरू करो, हर आदमी ने यहां जितने बैठे हर आदमी ने वीकली मीटिंग शुरू करनी चाहिए। आप बोलोगे कोई नहीं आता है, पता है कोई नहीं आता था तो हम लोग बैठते थे, एक भी जन नहीं आया, अकेले बैठो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन शॉप ऑन टाइम, पहला प्रिंसिपल हमारा काम है, हम अपनी दुकान को टाइम में खोलेंगे। अगर हफ्ते में एक बार अगर 2 घंटे के लिए दुकान खोलते हैं, महीने में 4 बार दुकान खोलते हैं और 10-12 हजार इनकम आती है, दुनिया में ऐसी कोई दुकान दिखा सकते हैं मुझे जो 2 घंटा खुल के 10-12-20 हजार इनकम आए? कहीं नहीं है। लेकिन आपकी ये 2 घंटे वाली दुकान आपके ओरिजिनल काम को ब्रेक कर सकती है। ये काम नौकरी करने वाले लोग सैटरडे हाफ डे के बाद कर सकते हैं, संडे को सुबह छुट्टी के दिन कर सकते हैं, या जिन लोगों की जब छुट्टी आती है उस दिन कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट रात को 9 से 10:30 के बीच भी लिया जा सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हम समझते हैं काम दिन को किया जा सकता है, रात को काम किया जा सकता है, दिन को काम किया जा सकता है, है कि नहीं? तो जो काम रात को किया जा सकता है वो दिन को भी किया जा सकता है, जो दिन को किया जा सकता है रात को भी किया जा सकता है। काम तो काम होता है, करना पड़ेगा, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा हो वैसा, कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा काम, तो काम करना चाहिए, मैं यही कह रहा हूं। तो काम का टाइम हमें नक्की करना है, तो इस तरह पहले काम के प्रति डेडिकेशन। यहां बैठा हुआ हर आदमी बड़ी टीम बना सकता है, मैंने अभी 2 बातें आपको बताई, एक तो लोगों को जाके अच्छी तरह बताना, और हफ्ते में एक बार आपको शुरू करना ही है मीटिंग, अपने एरिया में एक जगह ढूंढ कर, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके डाउनलाइन का घर हो, चाहे ऑफिस हो, कोई भी एक जगह आप ढूंढो और शुरू करो, जैसा आता है वैसा बताओ, नहीं जमता है तो कुर्सी पे बैठ के, 4 जन को कुर्सी पे बैठ के बताओ, लेकिन कोशिश ये करो खड़े रह के बताने, कर पाएगी कि नहीं? Yes. कितने लोग करने वाले हैं यहां से जाने के बाद? क्या बात है, ये सबका तो लिस्ट लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम पूछेंगे मीटिंग कब शुरू की है इन लोगों ने, बन चुका है, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मैं ये, आप देखिए मेरी बात को सीरियसली लीजिए, ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ये भरत भाई है ना, ये गुजरात की टॉप ऑफ लाइन है, ये जिंदगी में कभी
स्लिप होता है हमारी जिंदगी में, कभी पब्लिक के सामने बोले नहीं है, लेकिन ये पब्लिक के सामने अभी बोल पाते। भैया जी अभी आपको दो मिनट को गाइड करेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, ताकि आप समझ सकते कि जो इंसान ने पब्लिक के सामने कभी बोला नहीं वो बोल पाते कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक मुझे एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं मिला है कि लोगों को इसमें कौन सी बड़ी कठिनाई आती है, एक कोड ले, तीन ले, तेरह ले, या रिपर्चेस करे या क्यों ना करे। इसके अलावा अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है ऐसी दुनिया में तो वो बता दीजिए सामने। एक सीधा साधा गणित है, 2600 रुपए में अगर मैं एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ तो वो क्यों खड़ा नहीं करना चाहिए, उसका एक रीजन मुझे बता दीजिए। आज तक हम लोग यही सोचते थे कि हमें कुछ बड़ा काम करना, कभी करेंगे वो किसको पता नहीं, और क्या काम करना वो भी पता नहीं है, और जब ये पता चल गया एक इतना सीधा साधा गणित है वो सोल्व करना है। हेल्थ कहीं बिकती नहीं है, कमानी पड़ती है, और मेरे चलते मैंने इतने पेशेंट को ठीक होते हुए देखा है, उसमें मैं खुद भी हूं, तो फिर आगे प्रमोट क्यों नहीं करना। ये सब अगर समझ में आ गया तो ये कारवा कैसे बढ़ता है किसको समझाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक एक लीडर ये सब बोल पाएगा जो खुद ने एक्सपीरियंस किया है, तो उसको सक्सेस ऑटोमेटिक मिलेगी, कभी उसके लिए कुछ मदद मांगने की भी जरूरत नहीं है। और डॉक्टर साहब के साथ रहते रहते थोड़ा कुछ बोलना तो आ गया, थोड़ा जगना भी आ गया, भूखा रहना भी आ गया, रहना भी खास आपके ये सब बाय प्रोडक्ट है। ये जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या जरूरी है वो सब ऑटोमेटिक सीखते हैं, अकेला तो कोई कुछ सीख के आया नहीं है। इतने सारे लोग को देखते देखते, अभी मैं प्रसाद भाई के साथ कल था, किधर गया अल्पेश भाई, भाग गया, वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते जो कुछ भी इतनी दुनिया में पूजा तो मुझे अपने आप बता दे, पूछा भी नहीं। जो लाइन आज तक आप गए नहीं वो लाइन में भी कैसे जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं इतना आराम प्रिय आदमी था, बंबई में रहते हुए भी दोपहर को डेढ़ दो घंटा कम से कम एक घंटा तो सोना पड़ता ही था। सन 1987 से कोई भी मुझे दोपहर को डिस्टर्ब नहीं करता था, ये मैं जानता हूँ, और मैं अकाउंटेंट था, मुझे लोगों की जरूरत नहीं थी, लोगों को मेरी थी, करके मैं ये मेरा मनमानी पूरी करता था, पर धनवंतरी ने वो आजादी छीन ली। पर तो कोई लेके मैं ऐसे कदर मेरी उस दोपहर की नींद गवाई है, 3-4 बजे तक तो कभी कभी नाना भी नहीं मिलता है, आपको ताज्जुब होगा। सुबह से लोग ऐसे ऐसे आते हैं, फोन को तो आते रहेंगे, अपने गुजरात से भी भोजन आते, महाराष्ट्र से भी आते, सबको इजीली मलाड का मेरा स्टॉक पॉइंट पड़ता है, और आके आधा घंटा 15 मिनट घंटा भर बैठते, कई लोग और आते हैं, फिर बीबी मुझे भी खाना कभी खाने बैठते, बस अभी इधर ही लगा दो टेबल। और उसके अलावा मुझे जो दोपहर को सोने की जरूरत थी वो अभी सोने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। अब ऐसे गिनते गिनते कितने फायदे और होने वाले हैं, मेरे फैमिली में भी सब लोग लेते हैं, करीब 3 या 4 दिन में एक बोतल खत्म होती है, ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इवरी जो जो कुछ दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अभी धीरे धीरे इनकम अभी अब फैशन हो गई है, कितनी होगी, अभी फिलहाल तो मेरी 2.5-3 लाख के करीब होती है एवरी मंथ, और कभी भी खाप में भी नहीं सोचा था। और रही बात एमएलएम की, एमएलएम तो पैशन था सभी का होगा, वरना इधर इकट्ठे नहीं होते, पर एमएलएम में भी सक्सेस होने के लिए कुछ जरिया चाहिए, एक अच्छी कंपनी चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, और उसके पीछे एक प्लान भी चाहिए जिसपे हमारा दिल को सुकून मिले। 4 दिन की अच्छी लगने वाली चीज हमसे चलेगी नहीं, हमको खुद को अच्छी लगनी चाहिए, वो तीनों तीन चीज इसमें है। कभी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि धनवंतरी क्यों सक्सेस नहीं होगी और हम क्यों सक्सेस नहीं होगी, इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है।
केवल केवल सक्सेस ही मिलती है। अब करो या न करो, एक बार जुड़ गए, कितने लोग उठा के लेके जाएंगे साथ में अपना। भाई को भी मैं भी कल ही मिला, अभी मुझे पता भी नहीं था भरूच में कितने ग्रेट लीडर है, और हम लोग बॉम्बे में तो कसम इधर से अलग माहौल है, ऐसा भाईचारा देखने नहीं मिलता है। थोड़ा मजाक मस्ती खींचा तानी सब कुछ इधर दिखता है। हम लोग मुंबई में अभी तक शुरुआत मुंबई से हुई है और मुंबई का नक्शे में नाम नहीं है, धनवंतरी के नक्शे में सबसे आगे बड़ौदा है, नासिक है और कई सिटी आगे आ गई, पर मुंबई में अभी वैसा माहौल नहीं बना है। वो हो जाएगा सबसे यानी कहने की मतलब आप जितने जोश लाएंगे इसमें उतनी कामयाबी आपको मिलेगी। अरे मैं भी खुद बॉम्बे वाले हैं। फिर ये कहने का मतलब नहीं है, माहौल है और वो माहौल हमको बनाने के लिए वो यहाँ है। इनवाइट कर रहा हूँ सबको, और बाद में किधर बॉम्बे या किधर कौन ले जाएगा किसी को पता नहीं है। हर कोई कंपनी हम लोग देखे 5 लाख से 50 लाख की टीम हो चुकी है और धनवंतरी की कितनी होगी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मेरा जो पैशन है बाइनरी का, अगर रिपर्चेस आशीर्वाद है तो एक रूप से बाइनरी के लिए थोड़ा सा ब्रेक भी है। हम लोग बोलते केवल 55,000 लोग जुड़े हैं, टर्नओवर के हिसाब से ये कंपनी के मुकाबले और कोई कंपनी नहीं हो सकती है। अगर इसमें रिपर्चेस नहीं रहता था तो 50 लाख की टीम अब भी होती थी, किसी को भी 1,000 में वोटर नहीं मिलेगी, लेना है तो 1,300 मिलो और ज्वाइनिंग हो कर दो। एक एक आदमी के 100-100 कोड गिरते थे, मेरे कुछ 150 के ऊपर होते थे, क्योंकि मैंने जितनी रिपर्चेस की अगर मुझे रिपर्चेस की सहूलियत नहीं रहती तो कोड लेना ही पड़ता था। यानी नंबर ऑफ ज्वाइनिंग से अलग सोचेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो चुका है, पर लोग अभी भी बहुत बाकी है इंतजार करते हुए, रिजेक्ट किए हुए भी बहुत थे, उसको वापस लाना है, और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे ये जिम्मेदारी अपने आप सहल होते जाएगी। और कुछ चरण डॉक्टर साहब आइए। अरे मैं डॉक्टर साहब आ रहे हैं पड़ता है, डॉक्टर सबको 2-3 घंटे तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने जो बोलना था बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन इनके बारे में मैं 2 वर्ड जरूर बोलना चाहूंगा कि ये धनवंतरी के टॉप मैनेजमेंट फ्रेंचाइज के अंदर आते हैं। इनकी फ्रेंचाइज के अंदर में इस हिसाब से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि कभी भी आप जवाब आपको रिपर्चेस की प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी ज्वाइनिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम नहीं आती है, सब कुछ सिस्टम से रखते हैं और हर महीने लाखों का टर्नओवर करते हैं फ्रेंचाइज से बॉम्बे से। और कभी कभी स्टार्टिंग के अंदर में मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि एक सज्जन ने इनके यहां से जाके रिपर्चेस तो कर ली, ज्वाइनिंग तो कर ली, ज्वाइनिंग होने के बाद रिपर्चेस कैसे डालना वो आदमी ने कोड नंबर बताना भूल गए थे। ये सर मुझे फोन करते थे, ऐसा नाम का आदमी आया था उसका कोड नंबर, मैं भी अपने स्ट्रक्चर में ढूंढता था मुझे नहीं मिलता था, टाइम लगा ठीक है, लेकिन इनकी मेहनत से 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को पूरा अच्छी तरह से छानने के बाद में उस आदमी का नाम ढूंढ करके वहां भी प्रेजेंट डाल लिया, दैट द ग्रेट पर्सन। दूसरी बात देखिए, आज कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हर जगह हम लोग सिस्टम में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कभी कभी ऐसा केस आता है जैसे मैं ट्रेवल में हूं या 3-4 जगह से पता किया ज्वाइनिंग मिल नहीं मिली, तो मेरा लास्ट फोन जाता है डॉक्टर जी को, डॉक्टर साहब ये मेरी प्रॉब्लम है इमीडिएट सॉल्व करो, यहाँ से पिन भेजो, और अभी 1 हफ्ते पहले ही इन्होंने मुझे एक पिन भेज करके मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। उस समय मैं चलती ट्रेन से बोकारो जा रहा था। थैंक्स वेरी मच आपके पूरे सपोर्ट के लिए, थैंक यू। और इसके साथ में वो पिन के साथ में इनको 3 कैंडिडेट भी मिल गए जो है ही नहीं कंपनी में भी नहीं है।
मंजी जी ने एक बहुत सीक्रेट बात बता दी कि चलती ट्रेन से बुखार हो जा रहा था। मुझे बताइए कोई रुकी हुई ट्रेन भी आता है? अभी देखिए भरत भाई कभी स्पीकर नहीं थे, उन्होंने आपके सामने आकर कैसा बोला कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे बड़ी बात, इनकी कुछ पुरानी रिकॉर्ड सुनोगे तो उनके आवाज को सुनने में समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन आज आप उनकी हर बात क्लियर समझ पाए। तो उन्होंने मामा बहुत खाया था, वो मामा नहीं जैसे मिठाई बनती है, वो मामा जिसको गुटका कहते तंबाकू वाला काफी खाया था, तो उनका मुंह जो है ना एक उंगल खुलता था, अभी तीन उंगल खुलता है, हम लोग का चार उंगल खुलता है नॉर्मल लोगों का, और उसी वजह से ना वो बोल पाते थे। अभी उनकी वॉइस बहुत अच्छी हो गई, करीब करीब क्लियर नॉर्मल है, 19-20 का फर्क है, वो भी क्लियर हो जाएगा आगे चल के। तो उनकी पुरानी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, जब इम्यूनिटी नहीं खाते थे उस वक्त की रिकॉर्डिंग सुनो, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, मतलब वॉइस जो है क्लियर नहीं है। जैसे मैं कैसे बोल रहा हूँ क्लियर, आप कैसे बोलते हैं, तो उनका तंबाकू खाने की वजह से पहले अच्छी आवाज थी बाद में बिगड़ गई थी, ऐसा है। तो इस तरह यूनिक है। और उन्होंने कहा कि अभी दोपहर को सोना नहीं मिलता है, लेकिन दोपहर को ही सोना मिलता है उनको। सोना, अब सोना मिल रहा है तो सोने की क्या जरूरत है, सोना मिल रहा है तो सोने की क्या जरूरत, मिल रहा है ना पैसा भाई, तो वो सोने से कम है, ज्यादा है। और वैसे भी दोपहर को नहीं सोना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो यानी कि पहले इसलिए सोते थे कुछ काम नहीं था, अभी काम है किंतु उससे बन, तो काम करो। लोग टाइम पास करते हैं कभी, अपने टाइम का उपयोग करो, टाइम है तो लोग क्या करेंगे, कुछ काम नहीं तुम सोएंगे, कार को नेटवर्क नहीं करते तो आज भी सोते थे क्योंकि काम नहीं है, फिर दूसरा कुछ नुक्कड़ पे बैठते थे दोस्तों के साथ, इनकी पूरी मंडली है, अब वो नहीं जाते नुक्कड़ पे, अब नुक्कड़ वाले एक एक इधर आ रहे हैं क्योंकि उनको नुक्कड़ इधर दिखता है। ये बड़ा नुक्कड़ है वो छोटा नुक्कड़ है, जितना बड़ा नुक्कड़ होगा ज्यादा मजा आएगी। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला पॉइंट हमने कहा। तो पुराने समय में लोग टाइम मैनेजमेंट करते थे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट में इंसान घड़ी के साथ एकदम बंद जाता है, और बंद के बिजनेस को डेवलप करने ऐसा लगता है मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करता हूँ, उसके जरिए होता है कि 40 के करीब पहुंचते होते बीपी डायबिटीज एसिडिटी दुनिया भर की बीमारी घुस जाती है। यहां 2-2.5 साल लगोगे सही ढंग से काम करोगे तो 2.5-3 साल बाद आपको फ्रीडम आ जाएगी। जब हमने शुरू में काम किया था शुरू तो गुजरात 3-3 दिन आके रुकता था, हर हफ्ते आता था, इनको पता है। अब मैं गुजरात में 3-4 महीने में एक बार आता हूं। अब बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम जिनको डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं इस बिजनेस में, वो अगर डायमंड हो जाए, वो अगर कैपिंग में चले जाए, तो मैं तो एक ही आदमी को जानता हूं, मेरी ड्यूटी खत्म, एक बच्चा पैदा किया, काबिल बना दिया, काम खत्म है कि नहीं? अब इनकी ड्यूटी शुरू, अब इनकी भी ड्यूटी पूरी होगी, आगे वाले की ड्यूटी शुरू, ऊपर वाले धीरे धीरे रिटायर होते, रिटायरमेंट होता है भाई, तो टाइम फ्रीडम। तो फिर हम दूसरी जगह जाते हैं काम करने, क्योंकि गुजरात से इतना काम किया फोकस करके कि गुजरात से कैपिंग लग गई, अब यूपी में करे यूपी से कैपिंग लग जाएगी, अब कलकत्ता नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है वहां पे मेहनत करके कैपिंग लग जाएगी, यही तरीका आपको भी डुप्लीकेट करना है। अब इन्होंने कभी मेहनत किया कि गुजरात के बाहर जा रहे डेवलप करने, क्योंकि दूसरा बोर्ड उनको कैपिंग में ले जाना है, कैपिंग में गया, तो आपको भी वही करना है। प्रॉब्लम क्या होता है नेटवर्किंग में, अपलाइन डाउनलाइन बीच में सर्विस किसकी होती है, आप लोगों की ना, यस और नो? लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी सैंडविच होती तो उनके भी ऊपर नीचे कोई ना, हर आदमी सैंडविच ही है, सैंडविच को सैंडविच से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कल कहा था मैंने, हर आदमी सैंडविच है, हर किसी के ऊपर एक है, हर किसी के नीचे लोग हैं, तो लड़ाई झगड़ा क्या ऊपर नीचे का,
अगर अपलाइन काम कर रहा है तो उसको पैसा ज्यादा आएगा, आप काम कर रहे हो आपको पैसा ज्यादा आएगा, नीचे वाला कर रहा है उसको ज्यादा आएगा। बाइनरी ओनली ऐसा बिजनेस है। अगर अपलाइन से डाउनलाइन स्मार्ट है तो डाउनलाइन ज्यादा कमाता है। अपलाइन ज्यादा से ज्यादा एक कोड के लिए लकी रहेगा, 10 कोड के लिए नहीं। ध्यान दीजिए, अपलाइन एक कोड के लिए लकी बन सकता है, यानी कि वीकली 35,000 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। आप स्मार्ट हो तो वीकली 1,05,000 ले सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर आप स्मार्ट बनो ना, अपलाइन को चैलेंज करो, भाई आप 35,000 वीकली कमाते हो, मैं 1,05,000 वीकली कमाता हूं, बोलो होशियार को। डाउनलाइन, तो डाउनलाइन ने चैलेंज लेना चाहिए ना, लेकिन प्रॉब्लम है डाउनलाइन ये सोचते हम काम कर रहे हैं अपलाइन कमा रहा है, क्यों भाई आपके नीचे लोग नहीं काम कर रहे? तो अपलाइन डाउनलाइन का चक्कर ही बुरा है। एमएलएम का सीधा एक ही मतलब होता है, हर आदमी अपने लिए जुड़ा है। आपको कमाना है तो आप काम करो, आपको नहीं कमाना काम मत करो। तो एमएलएम ओनली बिजनेस है जहां टाइम मैनेजमेंट की थियरी एमएलएम वाले को ही ज्यादा लागू होती है। एमएलएम में टाइम मैनेजमेंट की थियरी को अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी में वो काम करते हैं जो पूरी जिंदगी नहीं किया, वो 3 साल में काम होता है। रोज 8 घंटा काम करोगे, 30 साल तक काम करोगे, 8 लाख घंटा काम करते हो, वो 8 लाख घंटा काम 3 साल में पूरा कर दो, 3 साल बाद रिटायर। रिटायर मतलब मजे से काम करने का, भी टेंशन नहीं लेने का। जैसे मैं अभी नहीं लेता हूँ, मंजीत जी अभी भी ले रहे, थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं लेंगे, नंदुक भाई लेंगे, राजू पटेल ले, थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं लेंगे, फिर आएगी आपकी बारी। तो कहने का मतलब यह है कि एमएलएम बिजनेस में टाइम फ्रीडम आता है, उपलब्ध लगता है। लेकिन लोग सोचते अरे ये इतना कमा रहा है, लेकिन वो कब से काम कर रही है सोचो। हम 3 साल से काम कर रहे हैं, मंजीत जी 3 साल से काम कर रहे हैं, और आप ये सोचो आप कभी आए। दूसरा, आपने कितना काम किया ये सोचो, कभी आए कितना काम किया, कितने स्ट्रगल की, कितना टाइम मैनेजमेंट किया, कितना टाइम पे कॉल किया और कॉल को अटेंड किया टाइम पे, कितनी मीटिंग के लिए सोचो। तो पहला रूल ये है कि कॉल पे जाइए, खुद जाइए, अच्छी तरह समझाइए और एक अपलाइन से फाइनली बात कराइए अकॉर्डिंग टू सिस्टम। दूसरा काम, वीकली मीटिंग लीजिए। तीसरा काम, ऊपर वाला ज्यादा कमा रहा है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जीवन में सुखी होना है तो अपने से कम कामयाब लोगों को देखो और सोचो कि ऊपर वाले ने मुझे ये चांस दिया है, अब मैं इससे ऊपर उठूं। सुख और दुख की डेफिनेशन यहाँ की परिस्थिति है। आपको दुखी होना है तो आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है, और आपको सुखी होना है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है। एमएलएम में टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम पे काम करना, वीकली मीटिंग लेना, डिसिप्लिन। वीकली मीटिंग लेते लेते आपकी टीम जब बढ़ती है तो थोड़े टाइम के बाद आपकी ड्यूटी बनती है खुद एक बड़ी हॉल मीटिंग लो। ऐसे हो ढूंढो ना जहां 150 लोग बैठ सके और 2,000 भाड़ा हो, क्यों महंगा खरीदने का, खुद के खर्चे से करो। देखिए अगर हम बिजनेस खोलते तो टेलीफोन लगता, जगह लगती, प्यून लगता, ऑपरेटर सब लगता ना, तो वहां हम खर्चा करने तैयार है, यहाँ नहीं है। तो आप लोग खुद अपने लिटरेचर छपाइए, नीचे आपका नंबर छापिए, सिंगल पेज लिटरेचर। अभी देखिए वो बुक कहाँ गई, लाइए 1 मिनट के लिए बुक, दोनों नहीं। देखिए ये नेटवर्क टुडे बुक है, एक बुक है जुलाई महीने की, देखिए इसमें छपा है पर्सनालिटी ऑफ मंथ फोटो छपा है, और ये बुक जो है किसकी हिंदी रीडिंग अच्छी है इसमें आर्टिकल छपा है। हिंदी रीडिंग किसकी है, हिंदी रीडिंग, हाँ आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए, माइक लेकर पढ़िए इसको। ये एक पेज प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ कहता है, इसकी जरूरत लोगों को बांटो, जिसको समझाओ एक कॉपी छोड़ दो। ये बाजार में मिलती है नेट टुडे, देखिए जिसको भी खरीदनी है बंधा नहीं पड़ेगा।